नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत जिसे दुनिया जानती है और सिर्फ जानती ही नहीं है बल्कि सलाम ठोकती है। एक ऐसी शख्सियत की मां का चले जाना वाकई देश के लिए दुख की घड़ी है। पीएम मोदी के लिए तो इस दुख से बाहर आ पाना संघर्ष है ही, साथ ही देशवासी भी इस दुख की घड़ी से उबरने के लिए पीएम मोदी को साहस देने में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरह देश के इस बेटे की अपनी मां के निधन से हिम्मत टूट ना जाए। पीएम मोदी ने बताया था अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर लिखे ब्लॉग में कि राजनीति को उन्होंने भले ही अपने जीवन के दशकों दे दिए हों, लेकिन मां के साथ मौके ऐसे दो ही पड़े हैं जब पीएम मोदी ने अपनी मां के साथ मंच साझा किया हो। जी सोचिए, 100 साल की पीएम मोदी की मां हीराबा और 72 साल का उनका बेटा नरेंद्र मोदी और 22 साल से ज्यादा का नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर, इतने साल में मौके तो बहुत पड़े होंगे, लेकिन पीएम मोदी की मां हीराबा ने सिर्फ 2 बार बेटे के साथ मंच साझा किया। अपने जीवन से जुड़े प्रसंगों के जरिए पीएम मोदी ने बताया था कि आखिर मां हीराबा उनके साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिखती थी। ये सवाल अहम इसलिए भी था क्योंकि विपक्ष इस बात के लिए अक्सर मोदी को कोसता दिखता था कि मोदी इतनी बड़ी शख्सियत हैं तो फिर अपनी मां को अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं। अक्सर विपक्ष इस बात को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसता था और फिर उनके साथ कार्यक्रमों में नजर क्यों नहीं आती, ये सवाल भी काफी उठा करता था। तो पहले सवाल का जवाब तो पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था, पहली बात तो ये कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनकर घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा भी मन करता कि माँ और परिवार के साथ रहूं। मैं जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूं, इसलिए लगाव या मोह नहीं रख पाया। दूसरी बात ये कि मैंने माँ को अपने साथ बुला लिया था, काफी दिन उनके साथ बिताए भी थे, लेकिन माँ ही मुझसे कहती रही कि तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, मैं तुम्हारे साथ रहकर यहाँ क्या करूँगी, जबकि यहाँ यानी गांव के घर में तो लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। तीसरी बात ये कि मैं भी उनको समय नहीं दे पाता था, काम में ही लगा रहता था, एक आध बार उनके साथ में खाना खा लेता था, फिर मुझे ही दर्द महसूस होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ और माँ इंतजार करती रहती हैं। वहीं दूसरे सवाल के जवाब की माँ पीएम मोदी के साथ मंच पर क्यों नहीं दिखती, इस सवाल का जवाब पीएम मोदी ने अपने शब्दों में लिखा, आपने भी देखा होगा मेरी माँ कभी किसी सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं जाती है। अब तक 2 बार ही ऐसा हुआ है जब वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे साथ आई है। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग के जरिए बताया कि एक बार जब मैं एकता यात्रा के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर लौटा था तो अहमदाबाद में हुए नागरिक सम्मान कार्यक्रम में मां ने मंच पर आकर मेरा टीका किया था। मां के लिए वो बहुत भावुक पल इसलिए भी था क्योंकि एकता यात्रा के दौरान फगवाड़ा में एक हमला हुआ था, उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे। उस समय मां मुझे लेकर बहुत चिंता में थी। तब मेरे पास 2 लोगों का फोन आया था, एक अक्षरधाम मंदिर के श्रद्धेय प्रमुख स्वामी जी का और दूसरा फोन मेरी माँ का था। माँ को मेरा हाल जानकर कुछ तसल्ली हुई थी। दूसरी बार वो सार्वजनिक तौर पर मेरे साथ तब आई थी जब मैंने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 20 साल पहले का वो शपथ ग्रहण ही आखिरी समारोह था जब माँ सार्वजनिक रूप से मेरे साथ कहीं उपस्थित रही हैं। इसके बाद वो किसी कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं आई। इसी के साथ पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में एक और वाक्या जोड़ा, जब वो सीएम बने थे और उनका मन था कि वो अपने सभी शिक्षकों को सम्मान दें, जिनमें वो मां को भी शामिल करना चाहते थे, उन्हें भी मंच पर बुलाना चाहते थे, लेकिन इस मंच पर आने से मेरी मां ने मना कर दिया था। पीएम मोदी ने आगे ये भी लिखा, माँ हीराबा अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति हमेशा से बहुत सजग रही। जब से चुनाव होने शुरू हुए, पंचायत से पार्लियामेंट्री तक के इलेक्शन में उन्होंने वोट देने का दायित्व निभाया। कुछ समय पहले हुए गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी माँ ने वोट डाला था। तो कुछ इस तरह की थी पीएम मोदी की माँ हीराबा, जो बेटे की इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद भी सिर्फ 2 बार ही अपने बेटे नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर दिखाई दी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने बीते 18 जून को ही अपने 100वें वर्ष में प्रवेश किया था। उस दौरान पीएम मोदी ने गांधीनगर में अपनी मां के पैर धोए थे और उस पानी को आंखों पर लगाकर मां का आशीर्वाद लिया था, और उस वक्त दुनिया ने अपनी मां के प्रति उनके प्रेम को देखा और महसूस किया था। मां हीराबा ने अपने जन्मदिन पर मिलने आए बेटे का मुंह मीठा कर आशीर्वाद दिया था।